अदर वीडियोस। तो गाइस पहले तो सबसे पहले बोलूँगा सब्सक्राइब कर दो जिसने नहीं किया, सकल देख लो मेरी। तो गाइस आज मैं जा रहा हूँ सफारी करने, जो है रामनगर में कॉर्बेट एरिया है और ढिकाला मैं जा रहा हूँ वहाँ सफारी करने। कैंटर से जाएंगे हम, तो अचानक ही मेरा प्लान बनाया सफारी करने का, तो मेरा एक ब्लॉग हो जाएगा। तो आइए बहुत ज़्यादा इंजॉय करेंगे, एक नेचुरल चीज़ आपको दिखेगी, प्रॉपर पूरा जंगल का एरिया है और सफारी हम करेंगे, क्या पता हमें कौन सा एनिमल दिखता है। ठीक है, तो ये मिलते हैं, तब तक के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलिए बे। गाइस अभी हम हैं ढिकाला जोन पे और रामनगर कॉर्बेट नेशनल पार्क में हम आए हैं। तो ये काफ़ी बड़ा जोन है, पीछे आप देख पा रहे हो बहुत सारे विजिटर आए हुए हैं। तो आज का ब्लॉग मेरा काफ़ी यूनिक होने वाला है और बहुत ज़्यादा एंजॉय करने वाला हूँ। अभी हम गेट पे ही हैं, अभी हम अंदर एंटर नहीं करें, एंटर करके दिखाएंगे आपको क्या क्या चीज़ है करके। अब ढिकाला जोन में हम आए हैं, ये सबसे बड़ा जोन माना जाता है और यहाँ पे 600 प्लस बर्ड्स की वैरायटीज़ हैं। और यहाँ पे आपको लेपर्ड मिलेगा, यहाँ पे आपको घड़ियाल मिलेगा, बहुत सारे एनिमल्स आपको अब विजिट करने पे मिलेंगे। तो एक बहुत ही अच्छा विजिटिंग जोन है, कॉर्बेट का एरिया है, बहुत प्यारा एरिया है। अभी आपको अंदर विजिट कराएंगे, दिखाएंगे क्या क्या चीज़ है। आइए एक ओवरऑल व्यू दिखाता हूँ आपको। सेक्शन में बना इंडिया का पहला टाइगर रिजर्व, टाइगर पॉपुलेशन में वर्ल्ड में नंबर वन है। पार्क का एरिया 1288 स्क्वायर किलोमीटर, 250 प्लस टाइगर, 1200 प्लस एलिफेंट, 40,000 प्लस डियर, 100 प्लस लेपर्ड एंड 40 प्लस बेयर। ठीक, अब इसमें दिखता क्या क्या है, कोई भी एनिमल दिखाएगा, किसी एनिमल को हाई बाई नहीं करना। ठीक है, देखिए सामने ना, वो हमारे ना हमें जानता ना पहचानता, ना हमारे भाई जानता ना भाई जानता, मेन वो हमारे घर में नहीं है, हम उसके घर में जा रहे हैं तो उसके हिसाब से चलना पड़ेगा। जो भी एनिमल दिखाई देगा रोड पे ही दिखाई देगा, तो थोड़ा सा आगे बैठ जाओ ना, कि उससे क्या होगा कि आपको सामने ही दिखेगा और पीछे आप बहुत जंप होगा। तो सफारी स्टार्ट कर रहे हैं, यदि किसी को पूछना पूछ सकते हैं, यदि गाड़ी कुछ दिखाई देगा तो गाड़ी रुकवा सकते हैं। तो ढिकाला की जर्नी हमारी स्टार्ट हो चुकी है, अभी हम एंटर करें, अब प्रॉपर पूरे ब्लॉग में दिखाऊंगा, कुछ एनिमल्स दिखता है तो हमारी किस्मत है, अदरवाइज कुछ ना कुछ तो मिलेगा। सबसे छोटा डियर एनिमल डियर एशिया का बिग डियर, टाइगर का इजी फूड, एक ऐसा एनिमल जो सुनने में विश्वास नहीं करता, जब तक आंखों से देखेगा नहीं विश्वास नहीं करेगा। टाइगर ने उसका शिकार करना होता, टाइगर छुप जाएगा, ये बेचारा देख ले उसके पास पहुंच जाएगा, जैसे ही जंप की रेंज में जाएगा टाइगर जंप करेगा। टाइगर इंसान की तरह थप्पड़ मारता है, उसका एक थप्पड़ का पावर 200 के जी के पावर से थप्पड़ मारने के साथ जो 2.5-3 इंच के लिए रेल काटता है, जब स्क्रैच करना तो हड्डी के जोर में सामने बैठा हुआ है, देखिए सामने बैठा हुआ है।
फाइनली हमें टाइगर दिख गया, बहुत देर से वेट किया था टाइगर का हमने, देख सकते हो देखो वो, देखो अगर आपको वीडियो में दिख पा रहा हो तो अंदर है काफ़ी अभी सारे व्यूअर्स हैं देख सकते हो। तो जिसकी वेट था वो हमें कंप्लीट हो गया है, मतलब कि मिलेगा दिखेगा नहीं दिखेगा, पर एक नहीं दो दो टाइगर दिखा हमें, एक एक दो दो टाइगर। ब्लॉगिंग सारी कंप्लीट हो चुकी है, बीच में तो ऐसा हो गया था, बीच में टाइम तो ऐसा हो गया था कि कुछ दिखेगा नहीं था आज, बट फिर भी दिख गया। अगर आप सफारी के दौरान यहाँ पर नाइट स्टे करना चाहो, नाइट स्टे की फैसिलिटी भी यहाँ पर अवेलेबल है। मैं आपको एक ओवरऑल व्यू दिखाऊँगा और डियर्स तो और तो यहाँ पर प्रॉपर तरीके से आम तौर पर दिखते ही रहते हैं। एक ओवरऑल व्यू दिखाऊंगा, तो बहुत ही अच्छा मेरा टूर रहा है आज का। तो गाइस, तो एक बात मैं ये बोलना चाहूँगा, जो हमारे गाइड हैं मिस्टर पूरन सिंह रावत जी, तो उनके भी यहाँ पे हम आए थे, तो और काफ़ी अच्छा, मतलब इंट्रोडक्शन से लेके सब चीज़, और जितने हमारे साथ गेस्ट थे और मैं था, हमने आज तक मतलब ये है कि एक सफारी में एक भी टाइगर नहीं देखा, और आज की सफारी में दो टाइगर देखे, तो बहुत ही बेहतरीन हमारा ब्लॉग रहा है। और टाइगर देखने के लिए आपको प्रॉपर पूरा ब्लॉग देखना पड़ेगा, और बाकी मैं क्या कहूँ, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए।